Hello friends, in this video we will be learning about non-verbal communication, so let us start with this. In last video we have discussed about verbal communication, jiska link description box mein hai. Now we will be studying about non-verbal communication. So non-verbal communication ek aisa process hai jisme hum words ko use nahi karte hain and we use some actions to send our message. Let us discuss the components of non-verbal communication. कैसे आप बिना बोले अपनी बात सामने वाले को कम्युनिकेट कर सकते हैं. First is body language. Now body language speaks a lot about person. For example, if you are standing tall, that will be conveying a message of self-confidence, self-assurance. वहीं पर अगर आपका head down है, it will be showing a sign of low confidence. Second is emotions. Now facial expressions also convey a lot of message. Directly आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप directly आपका face बता देता है कि what you are feeling right now. For example, अगर आप गुस्से में हैं, आपका expression गुस्से वाला होगा. If you are happy, then your face will be cheerful. Next is hand movement, जिसे हम gestures भी बोलते हैं. Now gestures are physical movement जो कि help करते हैं हम अपने ideas को, opinions को या emotions को express करने के लिए. For example, आपने भी बहुत बारी notice किया होगा जब आप किसी सामने वाले से बात कर रहे होते हैं या उसे कुछ समझा रहे होते हैं, then your hands automatically start moving. या फिर आप किसी को फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, देन यू आर रेजिंग योर फिंगर एट दैट पर्सन, और यू आर स्क्रैचिंग समथिंग अगर आप कुछ कंफ्यूज हैं, और यू आर प्लेइंग विद द हेयर्स अगर आप किसी की सामने वाले की बात नहीं समझ रहे हैं, यू आर विद इन योर सेल्फ, और ट्विस्टिंग रिंग्स इफ यू आर नॉट गेटिंग सम आंसर टू टेल योर टीचर, तब भी यू माइट हैव सीन कि आप अपने हैंड्स को मूव करते रहते हैं. सो दीज आर सम जेस्टर्स. नेक्स्ट इज आई कॉन्टेक्ट. Eye contact has a great significance in case of non-verbal communication. For example, अगर आप किसी से बात करते हो, you are looking into the eyes of that person, that shows कि आप बहुत ध्यान से उसकी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं. But however, if you are looking for the longer duration of time, that can be termed as staring, which is a negative impact. Next is voice tone. Now voice tone plays a very important role. For example, अगर एक ही word को दो अलग अलग तरीके से बोला जाए, उसकी वॉइस टोन में डिफरेंस हो, दैट विल बी हैविंग डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन ओवर द लिसनर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि कंप्लीट योर वर्क, नाउ बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेज हैव अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन द लिसनर. Next is touch. Touch is a non-verbal way of communication. For example, touch of a mother, which always soothes a child. Next is handshake, which is a sign of welcoming the other person. Next is pat by teacher or coach, which is a sign of happiness and pride. नेक्स्ट आर दी एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज नॉन वर्बल क्यूज को समझाना बहुत आसान होता है, इसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होता एंड यू कैन इजिली मेक इलिटरेट्स अंडरस्टैंड अपने क्यूज से, आप उनको अपनी कोई भी बात समझा सकते हैं. लेट अस डिस्कस द डिसएडवांटेजेस नाउ. फर्स्टली, लॉन्ग एंड डिटेल्ड मैसेजेस कैनॉट बी एक्सप्लेन यूजिंग दी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो आपको अपनी बात बोलकर ही समझानी पड़ेगी. सेकेंडली, इट इज वेरी टफ समटाइम्स किसी के एक्सप्रेशन या जेस्टर्स को समझ पाना, बिकॉज उससे मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है, कोई गलत भी समझ सकता है. सो वी हैव टू स्पीक अप फॉर ऑल दोज थिंग्स. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.